क्या म्यांमार से रची जा रही है बड़ी साजिश? मणिपुर में घुसे 900 से ज्यादा आतंकवादी। मणिपुर में फिर भड़क सकती है हिंसा। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। रिपोर्ट के मुताबिक मैतई बहुल इलाकों पर मंडरा रहा खतरा। पिछले साल भर से ज्यादा समय से उत्तर पूर्वी भारत का राज्य मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। कुकी और मैतई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। राज्य से लगातार लोगों की मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह के ऑफिस से पुलिस को भेजे गए एक अलर्ट ने चिंता की लकीरें और बढ़ा दी हैं। इस खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि म्यांमार से 900 से ज्यादा कुकी उग्रवादी मणिपुर में घुसाए हैं। इन उग्रवादियों का मकसद 28 सितंबर के आसपास इम्फाल घाटी के मैतई बहुल गांव पर हमला करने का है। खुफिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन सभी को हाल ही में ड्रोन, प्रोजेक्टाइल और मिसाइल दागने की ट्रेनिंग भी दी गई है। बता दें कि 16 सितंबर को सीएम ऑफिस की तरफ से जारी अलर्ट में कहा गया था कि ये उग्रवादी कथित तौर पर 30-30 लोगों की टुकड़ियों में हैं। ये फिलहाल आसपास ही छिपे हुए हैं और गाँव पर सिलसिलेवार हमले की तैयारी में जुटे हैं। इस जानकारी के बाद से चूड़ा चांदपुर, टेग्नोपाल, उखरूल, कामजोंग और फिरजावल जिले हाई अलर्ट पर हैं। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि जब तक ये खुफिया इनपुट गलत साबित नहीं हो जाता, हम मानते हैं कि 100% सही है, इसके लिए हम तैयार हैं। सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के जिले और सीमावर्ती इकाइयां ज्यादा से ज्यादा अलर्ट पर हैं। मणिपुर में 2023 के मध्य में जातीय संघर्ष भड़कने के बाद से डिप्यूट किए गए पूर्व सीआरपीएफ महानिदेशक ने कहा कि किसी भी तरह से हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। सिंह ने कहा कि उनका तलाशी अभियान हथियारों को जब्त करने पर केंद्रित है, लेकिन अब तक रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन और बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की तलाश की जा रही है। वह सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि डीएम को अलर्ट कर दिया गया है और लाइसेंस प्राप्त मालिकों के पास विस्फोटकों के स्टॉक की जाँच करने के लिए भी कहा गया है। पहाड़ियों के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी जुड़ी सड़कों और गांव में भी स्टॉक की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से सुरक्षा बलों ने 2661 हथियार जब्त किए थे, जिसमें से एक तिहाई पहाड़ियों में और 2/3 घाटी में बरामद हुए। बता दें कि मणिपुर में करीब 16 महीने से हिंसा जारी है, लेकिन सितंबर के शुरुआत में हुई ताज़ा हिंसा ने सभी को चौंका दिया। इस हमले में ड्रोन, मिसाइलें और ख़तरनाक आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कुकी और मैतई समुदाय की लड़ाई में अब तक 226 लोगों की जाने जा चुकी हैं। सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं और हज़ारों की संपत्तियों को नुकसान पहुँचा हुआ है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर मणिपुर में हिंसा थम क्यों नहीं रही है? बता दें, इसके कई कारण हैं। आसान शब्दों में समझें तो ये पूरी लड़ाई दो जातीय समूह कुकी और मैतई के बीच है। ज़्यादातर मैतई समुदाय के लोग घाटी में रहते हैं और वही कुकी समुदाय के लोग पहाड़ी में रहते हैं। हिंसा के बाद ये दोनों समुदायों का एक दूसरे के स्थान पर जाना पूरी तरीके से बंद है। यही अलगाव हिंसा न थमने का एक बड़ा कारण है।